श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का फेसबुक पेज शनिवार को हैक हो गया, जिसकी जानकारी मंदिर प्रशासन को होते ही न्यास ने तत्काल उसे साइबर सेल से संपर्क कर रिकवर कराने का प्रयास किया। साइबर सेल की दो टीमों ने तत्परता दिखाते हुए फेसबुक पेज को रिकवर किया। लगभग आधे घंटे तक फेसबुक पेज हैकर्स के चुंगल में फंसा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं को काफी परेशानी आई, इसके लिए मंदिर न्यास ने साइबर सेल में तहरीर भी दी है। मीडिया के सम्मानित साथियों को और आम जन को सूचित करना है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा हैक कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करते हुए और उस फेस को दोबारा रिट्रीव करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी उन्हें अभी डिलीट करवा दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई के पश्चात इसको दोबारा उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए न्यास प्रयासरत है और न्यास इसके लिए जो भी असुविधा हुई है, जो भी भावनाओं को ठेस पहुंची है हमारे श्रद्धालुओं को, उनके लिए खेद। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर भेलपुर थाने में कारोबार के नाम पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में मुंबई के रहने वाले पीयूष मिश्रा ने पुलिस आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी। नवी मुंबई के रहने वाले पीयूष मिश्रा अमेरिका में कारोबार करते हैं। वर्ष 2019 में वो अपनी बहन के घर भेलपुर क्षेत्र के बिरदुपुर में आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात विवेक श्रीवास्तव से हुई, जिसके बाद आरोपी ने बिजनेस के नाम पर 40 लाख रुपए लिए और फोन उठाना बंद कर दिया। नगर निगम वाराणसी द्वारा वरुणा जोन के वाहनों को पार्क करने और नगर निगम के वाहनों के लिए सिगरा की परेड कोठी में वर्कशॉप बनाया गया है। इसमें कूड़ा भरी गाड़ी विगत कई दिनों से खड़े किए जाने पर स्थानीय नागरिक आक्रोशित हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत नगर आयुक्त से करते हुए कहा कि इससे दुर्गंध के साथ ही बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्कशॉप में केवल खाली गाड़ियां ही खड़ी होंगी। कोई भी यदि कूड़े भरे वाहन को खड़ा करता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला मामले में शनिवार को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका सूचीबद्ध न होने पर अब इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। 24 वर्ष पुराने समवासनी प्रकरण मामले में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा का स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं संग घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया। अप्रैल की शुरुआत में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। शुक्रवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गर्मी शुरुआत में तीखी धूप लोगों को बेहाल करने लगी है। इस समय गर्म हवाओं की रफ्तार धीमी है, इस वजह से थोड़ी राहत है। मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार जताए हैं। गर्मी और लू बेहाल करेगी। मैनहोल में गैस के कारण दम घुटकर जान गंवाने वाले मजदूर के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और प्रशासन को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में एक सफाईकर्मी की मैनहोल में मौत होना बेहद दुखद समाचार है। स्मार्ट सिटी बस नाम की ही काम की भी नहीं होनी चाहिए। जो मशीनें सीवर की सफाई के लिए खरीद कर बिना रख रखाव से बर्बाद खड़ी है, अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो किसी की भी जान बचाई जा सकती थी। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए विकास भवन में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान शिकायत मीडिया सर्टिफिकेट पेड न्यूज सोशल मीडिया आदि रजिस्टर का अवलोकन किया। इस दौरान शिकायत के निस्तारण की प्रक्रिया देखी, शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। वाराणसी पहुंचे अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के गाजीपुर जाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं ने ही ऐसे लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। माफियाओं ने उनसे राजनीतिक लाभ लिया है। मैं समझता हूं कि इस तरह कार्यक्रमों से उनके चेहरे और बेनकाब हो रहे हैं। समाज देख रहा है, युवा भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो वोट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत पहले प्रत्याशी दिए और बहुत पहले से ही आप बलिया देख लीजिए, उधर देवरिया देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, मछली शहर देख लीजिए, फूलपुर देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, कौशाम्बी देख लीजिए, कई सीटों को छोड़ के रखा है। कई समीकरण सेट करने पड़ते हैं। हर वर्ग को हमें अवसर देना है, हर समाज को हमें मौका देना है। पार्टी अपना समीकरण बनाती है और समय के साथ उम्मीदवार आते हैं। जैसे और उम्मीदवार आ गए, दो चार पाँच दिन में मुझे लगता है कि ये भी उम्मीदवार आ जाएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व भेज देगा। बाकी जिसको जो बोलना है बोले। और मैं समझता हूं कि गाजीपुर से हमारे जो प्रत्याशी आएंगे तो इन लोगों का तो विवेक भी काम करना बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिला न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के चलते ज्ञानवापी के दो मामलों की सुनवाई शनिवार को टल गई। इसमें लॉर्ड विश्वेश्वर के
1991 का भी मामला शामिल था। दोनों मुकदमों में अब कोर्ट ने 9 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। ज्ञानवापी से जुड़े अभिमुक्तेश्वर महादेव की ओर से विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व गुप्ता व अजीत सिंह की ओर से दर्शन पूजन परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश समेत मालिकाना हक घोषित करने की मांग की गई है।